हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज गए हैं सुबह के, देखो 6:05 और जस्ट अभी एडिटिंग ख़त्म हुई है तो दिखाता हूँ तुमको। रुको, ये देखो जी, आज का ब्लॉग है। तो अब इसको इसको अपलोड करने के बाद ही हम सोएंगे। ये देखो, रेलवे स्टेशन बाहर आया हूँ और तुम्हें बता दूँ इंटरेस्टिंग चीज। बताओ, इतनी मेहनत तुझे करनी पड़ती है और इनके चमन जैसे लोग साले बस लेटे रहते हैं और किसी किसी काम के नहीं होते हैं। ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते हैं। तो मैं एडिटिंग करने के बाद अभी सोया नहीं हूँ क्योंकि मैं उसके बाद तुरंत फैमिली मैन देखने लगा था, जो फैमिली मैन का सीजन 2 आ गया था। तो तुम्हें दिखाता हूँ, ये देखो अभी वही चल रही है। तो उसमें क्या सूची क्या कहती है, कहती है कि वी नीड टू टेक ब्रेक ऑफ। तो ये मनोज बाजपेयी भाई साहब कहते हैं, ये देखो ये इंग्लिश अंग्रेजों के टंटे ना मेरे को नहीं समझ में आते, या तो रिलेशनशिप होता है या तो नहीं होता। वेरी ट्रू। ब्रेक ऑफ क्या होता है, क्या होता है भाई ब्रेक ऑफ? या तो रिलेशनशिप है या तो नहीं है, या तो शादी है या तो नहीं है। अब इसमें कोई बीच का रास्ता थोड़े ना होता है बे, आधा पौना थोड़े ना इसमें चलता है, या तो होता है पूरा या तो नहीं होता है। और इस वेब सीरीज की एक और खास बात थी कि भाई सामंथा को देख के मेरे को पहले लगा ही नहीं था, क्या लिट एक्टिंग करती है भाई ये बंदी, मतलब जबरदस्त भाई, मतलब ऐसे दिल छू लिया उसने। बस ऐसे मन कर रहा सामने आ जाए सामान था और हक कर लूँ। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड जो है रतवान है, वो नागार्जुन का बेटा, तो फिर मेरी पिलाई कर दे उसको, पिलाई चल जाएगी उसके हक के लिए, चलेगा इतना तो। मतलब क्या एक्टिंग थी, क्या बाप फाड़ एक्टिंग थी, जबरदस्त। और हाँ, एक चीज़ और थी कि इस वेब सीरीज में फिर वही दिखाया गया जो धर्म बेस होता है कि एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की को पटाता है हिंदू नाम रखकर। तो ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब मेरे को नहीं अच्छी लगती कि तुम क्यों ऐसे धर्म पे करते हो, क्यों करना है, सीधे सीधे सिंपल सिंपल चीज़ें कर लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, हमें थ्रिल मिल जाता है वैसे भी, अगर हर बार तुम धर्म का खेल खेलोगे तभी हमें थ्रिल मिले, ये जरूरी ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और अभी ये रेबो को दवाई खिलाई जाती है उसके लीवर वाली जो कीड़े पड़ गए थे, लेकिन वो खा नहीं रही, बार बार मुंह से निकाल देती है। खाना पकड़ के मुंह अंदर डाल उसके, जरूरी है उसे खाना, देख कितना गुस्सा हो रही है। खा गई, ये भी खा गई, नहीं साइड से निकाल रही है, होशियार है, तेजी दिखा रही है रेबो बेटा, तुम इतनी तेजी अच्छी बात नहीं। अरे खाएगी तो खोलेंगे नहीं मुंह, और ये मिशन पास्ट। चल रे वो इंजेक्शन लगेगा अब तुमको, कैसा लग रहा है, इंजेक्शन लगेगा अभी, फिर तुमको रात में खाली के कमेंट भी पढ़ाएंगे, पढ़ोगी रे वो? चुपचाप इंजेक्शन से ये सिरप ले लो, वरना अभी खाली को बोल देंगे तो तुमको पाद मार के सीधे मार से भेज देगा, समझ में आई बात, जल्दी से ले लो। देखो खाली सर इससे निकल नहीं पा रहा है, तो खाली सर आप ऐसा करो जरा कि इंजेक्शन मैं अपना मुंह डालो, बोतल से चूस के पूरा एक बार में निकाल दो और फिर फूंक मार के रेबो को पिला दो, अभी वो गिरा देगी रेबो। अब देखो अगर तुमने नाटक किया इस बार पीने में तो मैंने खली सर को बुला देना है। हाँ आराम से, आराम से, प्यार से, ए ए ए आराम से भाई, भाई आराम लग ना जाए, मुंह पे ना लग जाए, उसके मुंह पे नहीं लग रहे। अरे अबे तो प्लास्टिक भी लगता है, अच्छा बेटा रे वो ये तुम्हारी स्ट्रेटजी है, सीरप ना पीना पड़े इसलिए खाना खाओ। हम भी बचपन में बहुत करते थे ऐसे, पागल बनाते थे, लेकिन नहीं बनने वाले हम पागल। हाँ शाबाश 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 शाबाश, एक पप्पी तो पहले उसको फिर पिएगी। गया गया मुंह के अंदर, एक ही मिल गया अभी तक, एक बार मार दे पूरा फट कर दे।
ऊपर की तरह मुंह कर जिस तरह पहले किया था। ये देख चला गया एक बार में, चला गया दिमाग नहीं तेरे पास। जब तक मैं दिमाग ना दूं तब तक कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा जीवन में भाई। 1500 रुपये मैंने आज तक 50 रुपये से ऊपर का सिरप नहीं पिया है। ये हीरोइन है ना, ये हीरोइन 1500 का सिरप पी रही है। अच्छा मेरे को जनरली बताओ, तुम लोगों ने कभी 1500 रुपये का सिरप पिया है कि अगर तुम्हारे मतलब लीवर में कोई दिक्कत हो गई हो या हल्की फुल्की कोई मतलब छोटी मोटी दिक्कत हो गई हो तुमने 1500 रुपये का सिरप पी लिया हो? आज तक हुआ है कभी ऐसा? खांसी होती तो 50 रुपये का कोरेक्स ले आते थे 46 रुपये का हैं, और लीवर में तो थोड़ा बहुत लिव 52 ले आते थे 80-82 रुपये का। 1500 रुपये का सिरप कौन पीता है भाई, कौन पीता है? तुम लोगों ने पिया है? अगर पिया तो बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में कितने तक का पिया है सिरप तुम लोगों ने। मैं अभी ऐसे ऐसे कर रहा था इसको, ऐसे ऐसे घसीट रहा था और बातें कर रहा था इससे साले से, और वो एकदम से क्या हुआ ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट ऐसे आया, ऐसे मुँह में पड़ा फटा, मैं पूरा मुँह खुल्ला गया, पूरा मुँह खुल्ला गया। इतनी तेज़ रबड़ मेरे मुँह में पड़ी ना, इतनी तेज़ रबड़ पड़ी है ना, एक होंठ पे पड़ी और एक नाक पे पड़ी, बहुत तेज़ लगी है मेरे को। खिलवाड़ खिलौना करके ऐसी तैसी हो जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट के लिए, तो जा रहे हैं मार्केट क्योंकि कल भैया को देखने वाले आ रहे हैं लड़की वाले, तो उनके लिए आप जानते हो जब लड़की वाले आते हैं तो कितना सारा आइटम बनता है अलग अलग तरह का, फिर उसमें से जो मिलता है वो हम भी खा लेते हैं। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और अभी तक देखना कि रेबो किस तरह पागल हो जाएगी, क्योंकि अगर भैया घर से निकले तो रेबो तो बिल्कुल कतई खतरनाक वाली पागल होती है। अभी तो मैं दिखाता हूँ रेबो किस तरह पागल हो, किस तरह झटपट आएगी वो, देखो कैसे पागल ही हो जाएगा, पागल हो जाएगी। अरे वो आ जा, अरे आप बाद में जाइए, आप बाद में निकलिए, वो बाद में निकलिए, रुक रुक आइए आइए जल्दी, उसको थोड़ी अंदर पैक करिए, अंदर ये चुपचाप उसको बंद कर दिया बेचारे। ये लड़का चल रहा है ना आगे जिसका नाम हमने चमन रखा हुआ है, इतनी जल्दी भिनक जाता है, इतनी जल्दी तिनकता है, तुरंत तुरंत नाक में रखा रहता है ताले के तिनकना। इधर दिखा था कल, इस ठेले से हम मिठाई लेंगे और फिर भैया किसको खिलानी है मिठाई अब बता दीजिए, ये है मिठाई 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 मिठाई। तो अभी किराना का सामान लेने के बाद अब हम जा रहे हैं मिठाई लेने, मिठाई क्योंकि वो तो शगुन होता है ना, मतलब मिठाई तो देना खिलाना तो हर किसी को बनता है, कोई भी मेहमान घर में है तो उसको पहले मिठाई खिलाना चाहिए, और इसने आज तक मेरे को नहीं खिलाई मिठाई, ये लोग क्या ही बताया जाए, मेहमान हो गए, दोगले लोग हैं बहुत ही यार, मैं बहुत क्या कुछ नहीं दिख रहा, इतनी सारी तो मिठाइयाँ हैं। हाँ तो ये मेवा बाटी सूखा ही तो है, मेवा बाटी होगा और भी होंगी चीज़ें। तो अभी कोई मिठाई पसंद नहीं आई, अब हम जा रहे हैं वापस कोई ढंग का और मिठाई स्टोर ढूंढने, बीकानेर वगैरह कुछ अगर मिल जाता है तो हम उसकी तरफ जाते हैं। तो अगर ऐसे चूतिया आपके साथ होंगे तो कभी कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, कुछ नहीं मिलता है इसी तरह के लोगों की वजह से, कलंक है साले लोग। अच्छा वाला बताओ, अच्छा वाला बताओ कोई, ये सुराही मत दो यार, मटका दो, मटका दो सुराही लेना है क्या? तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर होता है उसमें, ऊपर से मग्गा मुग्गा नहीं जा पाता है। अरे इसके लिए फिर स्टैंड लेना पड़ेगा। अच्छा ये खड़ा नहीं हो पाएगा क्या? वाली है उसमें मग्गा गायब हो जाएगा, वो तो भैया टोंटी वाली है ना। हाँ ये भी सारी टोंटी वाली दी है यार हमें, हमारे गाँव में देखो नहीं मिलती। कितने का भाई वाला? ये 250 रुपये का है। और ये छोटा है 200 का, ये वाला 180 रुपये का। बिरयानी इज लव, मैंने बताया ना अल नवा की बिरयानी है, मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। कितनी लेनी है? तीन ले लो। तो अभी हम वहाँ पे किराना स्टोर पे दूध पनीर और दही ये सब लेना भूल गया था, तो अब यहाँ टू गुड से आए लेने, और उसी बगल से अल नवाब है तो वो दिख गया, तो अल नवाब खाना भी बनता है तो इसलिए वो भी ले लिया, पैक करा लिया। चलो तो ये यहाँ से दूध दही पनीर लेने के लिए आ गए हैं, और भैया शॉपिंग करते हुए आइसक्रीम ले ली है, अब आइसक्रीम भी ले रहे हैं, आइसक्रीम भी ले लिए हैं। और बिपिन साहू जहाँ जाते हैं वो अच्छी अच्छी जगह बंद पड़ जाती हैं, ऐसा भौकाल चलता है अपना, ऐसे मतलब कहा गया है वो, देखो 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 दिखाता हूँ एग्जांपल तुम, ये देखो दुकान की लाइटें बंद करा दी मैंने सब, मेरे एक आदेश पे पूरी दुकान बंद हो गई, क्योंकि हमने सामान ले लिया, अब हमारा काम ख़त्म, अब दुकान बंद करा के वापस जा रहे हैं हम।
आ जाइए भैया, हो गया सामान, हो गया, आ जाइए। अब दुकान बंद करने का टाइम हो गया उनके, क्योंकि मैंने कह दिया है। कभी कभी ये अपने मालिक को भी मारने लग जाता है, पागल हो जाता है, तो इसको इसकी बात की पनिशमेंट दी जाएगी। सो देखिए गाइस, सारा सामान आ गया है, ये मैं लेके भी चल रहा हूँ, सारा सामान आ गया है, कल के लिए सारी तैयार हैं। और थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टूडेज ब्लॉग। और यार प्लीज ना इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ऐसा तो नहीं है कि मैं तुमको निगेटिविटी में डाल रहा हूँ, है ना, इतनी पॉजिटिव पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं, हंसता मुस्कुराता चेहरा रहता है, तो उसके बाद भी शेयर नहीं करते, शर्म नहीं आती है, खुदा से खौफ नहीं लगता तुमको, करो शेयर, चलो जल्दी जल्दी आए। गाइस ये लड़का बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इसको जिस काम के लिए, जिस नौकरी के लिए रखा गया है वो पूरी नहीं कर रहा है। ये भैया भैया ये वाला मटका यहीं रख दीजिए अंकल जी के लिए, पानी पीने के लिए ठंडा। आप ठंडा पानी भी कैसे पीते हैं अंकल जी? अच्छा तो गर्म नहीं हो जाता होगा ये? गरम करके लाता हूँ, मन नहीं करता ठंडा पानी पीने का। ठंडा भर के जाता हूँ।